3 तारीख को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और मतगणना से पहले दोनों ही पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को मतगणना से संबंधित जानकारी दी गई। भाजपा में मतगणना से पहले फिर ट्रेनिंग का दौर चला। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कांग्रेस के एजेंट अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, हमारे कार्यकर्ता सजग रहें और अपना स्थान न छोड़ें। इन बातों को लेकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पारंगत हैं, फिर भी राजनीतिक दल में नए नए कार्यकर्ता और काम करने आते हैं, तो समय से कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंचे, समय से अपने स्थान पर पहुंचे, आखिरी समय तक अपने स्थान पर डट रहे। सामान्य चर्चा के लिए एक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करी गई थी। चूंकि ये कांग्रेस के ध्यान में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो एजेंट है वो अराजकता फैलाने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए हमारा कार्यकर्ता सजग रहे और अपना स्थान नहीं छोड़े, इसके निमित्त आज हमारे काउंटिंग एजेंट्स की बैठक आयोजित है। भोपाल जिले की 7 विधानसभाओं के काउंटिंग एजेंट्स थे और सभी से सामान चुना गिनती को लेकर स्पष्ट तौर पर, क्योंकि कांग्रेस जब हार रही होती तो अपनी खीज निकालती है, और आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो कार्यकर्ताओं को इस ओर जरूर ध्यान आकर्षित करा गया कि जब हम समय से पहुंचेंगे तो समय से अपने स्थान पर बैठेंगे, वोटों की व्यवस्थित गिनती पर ध्यान रखें और कोई अराजकता कांग्रेस के एजेंट ना फैला पाए, इस पे भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता। दक्षिण पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी ने कहा कि पूरा समय कार्यकर्ता परिश्रम करता है, 5 साल के परिश्रम का परिणाम आने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसी को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। पूरा समय कार्यकर्ता परिश्रम करता है, 5 साल की परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो इसलिए परिणाम में वहाँ कोई चूक ना हो, वहाँ जो गणक है वही कार्यकर्ता प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी का, प्रत्याशी का, तो वहाँ बारीकी से हर एक चीज़ का ध्यान रख करके कि हम समय पर पहुँचें, कब मशीन खुलने वाली है उसके हम जो वहाँ नंबर रहता है उस मशीन के नंबर का मिलान कर लें, वहाँ साइन हमारे हैं कि नहीं, पोलिंग एजेंट के साइन और जितने वोट पड़े हैं वो वोट उतने हैं कि नहीं, ये जब खुलने के पहले जब वो बताते हैं, उसका जब डेमो होता है उस सबको देख करके, और कहाँ पोस्टल वैलेट में कहाँ किस तरीके का निशान और क्या चीज़ होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को देख करके जब हम तसल्ली हो जाएगी कि यह मतदान निष्पक्ष है, यह मतगणना निष्पक्ष है, तो उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने हस्ताक्षर करेगा पहले भी, और जब मशीन की काउंटिंग पूरी हो जाएगी, प्रत्येक मशीन के प्रत्येक राउंड की काउंटिंग हो जाएगी, एआरओ टेबल पर भी हमारा कार्यकर्ता, इसलिए जो बारीकियां हो सकती हैं, क्योंकि एक खींच कांग्रेस में होगी इस एग्जिट पोल के बाद, वो कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करने का काम कर सकती है, इसलिए कार्यकर्ता को और हमने सचेत किया है कि जिम्मेदारी के साथ बैठिए, समय से बैठिए, कोई लापरवाही वहाँ नहीं होगी, निश्चित रूप से हम सचेत रहेंगे तो जो जनता ने जनादेश दिया उसका सम्मान होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।